डिंडोली विस्तार ने जोड़व डिंडोली गन्ना गुरुवार शुभारंभ कर विस्तार सामाजिक आगे हस्तके गन्ना उद्घाटन करायु। उधना ने डिंडोली विस्तार ने जोड़तु रेलवे गन्नाडू छेल्ला केटलाय वखत थी मरम्मत हेठळ होय जे गुरुवारे बनीने तैयार थई गयो हतो। आ गन्नाडू छेल्ला केटलाय वखत थी रिपेरिंग काम चाली रह्यो हतो। आ विस्तार मां ट्राफिक नो भारण पण वधारे कहे के पीक आवर्स अने कामकाज ने समय दरमियान पण अही वाहनोनी अवर जवर नो धमधमाट पूर जोश मां चाली छे। अने एवा मां आ गन्नाडू कंगाळ हालत मां होवाथी छेल्ला बे वर्ष उपरांत ना समय थी रिपेरिंग हेठळ हतो। मेरा नाम रईस भाई शेख है। मैं यहाँ का सोशल और पॉलिटिकल अग्रणी हूँ। ये जो गोविंद नगर गन्नारा, ये लिम्बायत उधना यार्ड से लाखों लोगों को कनेक्ट करता हुआ गन्नारा है। एक साल से ये काम बंद होने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ का परेशानी करना पड़ रही थी। हमने महानगर पालिका और रेलवे के उच्च अधिकारी को रजूआत करके तुरंत ये काम हो उसकी रजूआत की। उसके उन लोगों की तरफ से सकारात्मक परिणाम मिला और ये गन्नारा बन के तैयार हो गया है। आज इसके लिए हम लोग सब यहाँ के लोकल स्थानिक आगेवान मिलकर आज से बाइक लेके व्हीकल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम सब जमा हुए हैं। आप लोग भी सब यहाँ पर आए, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा? बहुत तकलीफों का। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा था लोगों को। बच्चे के स्कूलें मिस हो रही थी, बीमार लोगों को ले जाने में तकलीफ हो रही थी। पूरा 4 किलोमीटर का एरिया जाके घूमना पड़ रहा था, जिसके अंदर काफ़ी समय की बर्बादी और लोगों का पेट्रोल और लोगों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। धंधा के एरिया से भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है, उनको भी आने जाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आज लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को आज बहुत खुशी का माहौल है। आपने देखा कि हमारे लोगों ने फटाकड़े फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, नान खटाई बांटी, इतने लोग जमा हुए हैं। लोगों को बहुत खुशी है कि इतनी जल्दी से हम उधना में एंटर हो सकते हैं। उधना में रास्ता कनेक्ट हो गया है तो हम तुरंत, हमारा टाइम बचेगा और आने जाने में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी आपका नाम? मारो नाम सैयद खुर्शीद, लिंबायत सर्वधर्म चेरिटेबल ट्रस्ट नो महामंत्री। हूँ तमारा चेनल ना माध्यम थी ये जणावा मांगू छू कि आ जे गरनालू आज जे शुभारंभ करेलू छे, तो आ शुभारंभ नी साथे अमे गोविंद नगर अने गिरिराज नगर, महाप्रभु नगर आ बधा विस्तारना जे लोको छो एमना तरफथी रेलवेना उच्च अधिकारी अने SMCના અધિકારીઓ અને ખાસ તોર પર અમારા રઈસભાઈ શેખનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આ રઈસભાઈની ખૂબ ઘણી મહેનત છે કે અમને લોકોની પાછળ, સાહેબ અધિકારીઓની પાછળ પડીને આ ગરનાળું ચાલુ કરાવેલું છે અને આને લીધે લોકોની જે દુર્દશા હતી એ દૂર થઈ છે, થોડીક દૂર થઈ છે, પૂરી દૂર નહીં થઈ કેમ કે નાનું ગરનાળું છે, એની બાજુમાં જે ગરનાળું છે હજુ બાકી છે। અને હું તમારા ચેનલના માધ્યમથી એ કહેવા માગું છું કે અમે 3-4 મહિના પહેલાં ગયેલા અમારા લિંબાય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી વાઘ સાહેબ, એમની જોડે અમે CR સાહેબ પાસે ગયેલા, ત્યાં અમને રજૂઆત કરી મૌખિક અને લેખિતમાં, તો એમને અમને આશ્વાસન આપેલું કે કંઈ વાંધો નહીં, હું અહીંયા રજૂઆત કરીશ અને જોઈશ। તો હું તમારા માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે અમારા જે બાજુનો ગરનાળો છે હાઇડ્રોલિક, એ બી જે ચાલુ થઈ જતું હોય, તમારા લિંબાયત વિસ્તારને જે તકલીફ પડે છે, દૂર દૂરથી જવામાં બહુ તકલીફ પડે છે, 2 કિલોમીટરનું ઉધના રેલવે સ્ટેશન જવું હોય તો 2 કિલોમીટર, આપણે સુરત જવું હોય તો ત્યાંથી બી ઘણું એટલે વિસ્તાર અમારે ફરીને જવું પડે છે, તો આ જે બાજુનું ગરનાળું જે ચાલુ થઈ જતું હોય તમને બહુ એટલે અમારા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલને અને અહીંયાના રહેવાસીઓને બહુ એટલે સહુલિયત થઈ જશે, બસ એટલું જ કહેવા માગું છું। અને અગેન્સ્ટમાં રઈસભાઈ શેખનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમની બહુ ઘણી મહેનત। લિંબાયતના કેટલાક સ્વયંસેવકો અને સામાજિક આગેવાનોના હસ્તે ગુરુવારે લિંબાયત ગરનાળું ઉદ્ઘાટન થઈ જતા હવે પુનઃ અહીંથી વાહન વ્યવહાર ધબકતો થયો હતો, જેથી હવે વાહન ચાલકોની સગવડમાં વધારો થયો હતો તેવું આગેવાનોએ મીડિયાના માધ્યમથી કહ્યું હતું। બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ ન્યૂઝ, સુરત।